हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक छोरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक KDM का नेक बैंड। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं KDM का ये लॉजिक नेक बैंड। जी हां दोस्तों, KDM का लॉजिक नेक बैंड। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और मुझे पर्सनली ये बहुत ही पसंद इसीलिए आया और इसीलिए मैं अनबॉक्सिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये हमारे बजट में भी है और साथ ही साथ मैंने सुना है कि इसकी साउंड क्वालिटी और माइक क्वालिटी दोनों ही बहुत ही इम्प्रूवमेंट है और बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे कि क्या क्या हमें इसमें मिलता है और कैसी कैसी चीज़ें कंपनी ने प्रोवाइड की है दोस्तों। हालांकि इसकी एक और चीज़ भी मुझे बहुत ही पसंद आई है, जो कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करते करते बताऊँगा आपको। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हम एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अनबॉक्सिंग की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने अंदाज में अनबॉक्सिंग डब्बा खोल खेला। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है वो KDM की नेक बैंड जिसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। चलिए पहले इसको खोल देते हैं, इसका रैपर यू उतार लेते हैं। तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा आगे की ओर से, और पीछे की ओर से कुछ ऐसा लुक है दोस्तों इसमें, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं पीछे पढ़ के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ें इसने बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। पहले आप देख लीजिए। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बता देता हूँ। इसने बहुत ही क्लियरली तरीके से डिटेल दी गई है, पहली बार मैंने देखा कि किसी बॉक्स में इस तरह से क्लियर डिटेल दिया गया। बात करें दोस्तों इसके पहले टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो वायरलेस वर्जन 5.0 है। टर्की टाइम दोस्तों इसका 35 हॉर्स का है, म्यूजिक टाइम 30 हॉर्स का है, स्टैंड बाय टाइम दोस्तों 2100 घंटे का है इसका, और चार्जिंग टाइम दोस्तों इसका 1.5 हॉर्स है, और चार्जिंग टाइप माइक्रो यूएसबी का आता है। बैटरी कैपेसिटी दोस्तों इसकी 225 एमएच की है, और ट्रांजेक्शन डिस्टेंस यानी कि कितने रेंज तक ये आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये 10 मीटर का है यानी कि 32 फुट। सही है, ये अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर कैसी है प्रोडक्ट। तो कैसे दोस्तों ये चीज़ आपके सामने देखने में दोस्तों ये आपको ऐसी दिखेगी, आप देख लीजिए, कुछ इस तरह की दिखती है दोस्तों। ये बॉक्स के अंदर छोटे से पैकिंग के साथ आती है ये, और साथ ही साथ दो बड्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, एक बड़ा एक छोटा, अपने कान के हिसाब से लगा लें, और एक माइक्रो यूएसबी केबल जो सभी नेकबैंड में आते हैं। हालांकि U&I कंपनी ने अब देना शायद से बंद कर दिया है, नहीं देता है। नेक बैंड की बात की जाए दोस्तों तो इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा वेट हैवी वेट है दोस्तों, इसका वजन दूसरे नेक बैंड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, हैवी वेट है। हालांकि ये हल्के होने चाहिए बट ये तो भारी है, पता नहीं किस लिए भारी है। और ये हर बार की तरह सारे नेक बैंड जो फ्लेक्सीबल होते हैं वैसे फ्लेक्सीबल है। हाँ लेकिन दोस्तों इसकी अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये रहा आपका प्लस माइनस का बटन, और साथ ही साथ इसके ऊपर माइक भी दे दिया जाता है, आप देख सकते हैं ये माइक है, और यहाँ पे आप चार्जिंग पोर्ट का आपका कनेक्टर मिल जाएगा। बात करें बड्स की, तो बड्स की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि बहुत ही सुपर क्वालिटी है, बट जो इसका बजट है उसके हिसाब से ये बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है। चलिए फटाफट इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। साउंड क्वालिटी चेक करने से पहले दोस्तों बात करें अब इसकी वायर क्वालिटी की, तो इसकी वायर क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है इस बार, एक प्रीमियम लुक जैसे प्रीमियम नेकबैंड आते हैं उसके जैसे इसकी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो चलिए फटाफट इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका रेट होगा, आपके लिए लेना चाहिए उस रेट में या नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने उसको कनेक्ट तो कर लिया है, चलिए आप फाइनली सुनते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। पस्ता
कानों में घुसने के बाद तो एकदम कंप्लीट फिटिंग है और मजा आ गया, ऐसा तो बोल सकता हूँ। अंदर कुछ है अच्छा, एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ऊपर भी जो आपको छोटे मुझे इसका मतलब नहीं पता था कि एक्चुअली इसका होता क्या, बट आज पता चला कि ये किस लिए दिया जाता है। होता ही है दोस्तों कि आप जैसे ही आप अपने कान में इसको डालते हैं, इसको जो है अपना कान का भाग होता है इसके अंदर ऐसे ही डाल देना होता है ताकि परफेक्ट साउंड दे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, एक चीज तो पता चलेगी यार। अच्छा तो फाइनली इसका साउंड बोले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये नेक बैंड जो इसने साउंड क्वालिटी दी है, मजा आ गया सुन के। मैं यूं तो नहीं बोलता हूं कि यू एंड आई कंपनी और एडीएम W1 बुलेट जो सीरीज थी उसके मुकाबले है या उसके कंपैरिजन में, बट जो इसकी प्राइस वैल्यू है उस कंपैरिजन में तो ये दोस्तों बहुत ही गजब है। इसकी बास, इसकी जो बास क्वालिटी है वो भी बहुत इफेक्टिव है और मिलियर के और म्यूजिक के जो भी बीट्स होते हैं और साउंड क्वालिटी, बास इफेक्ट, ये एकदम परफेक्टली सुनाती है। अगर दोस्तों आप 700 रुपये या 650 के आसपास की बजट में कोई नेक बैंड लेना चाहते हो तो ये नेक बैंड ले सकते हो, क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही गजब है, बहुत ही लाउड है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि दोस्तों इसमें वारंटी गारंटी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, ये बहुत ही बुरी बात है। अगर आप साउंड क्वालिटी के दीवाने हैं और साथ ही साथ एक गेमर भी है तो गेमर में भी इसमें एक सिस्टम है, हालांकि अब तो सब मोबाइल में ही सिस्टम ऐसा आ जाता है कि आप अपने मोबाइल से इसकी साउंड क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप 700 से 650 के बजट में कोई नेकबैंड लेना चाहते हैं तो ये नेकबैंड ले सकते हैं KDM का। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।